हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम आयुष सिंह है और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है उसके हेल्प से मैं आपकी थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लॉकडाउन के समय में क्या होनी चाहिए उस पर थोड़ा आपकी मदद करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बात आती है कि प्रीलिम्स की जो डेट है वो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण आगे पोस्टपोन होगी कि क्या होगी, तो काफ़ी लोग इस बात को लेकर डायलेमा में हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप उसकी चिंता मत करिए, आप डेट जो भी हो बस इतना इंश्योर करिए कि जब भी जो भी यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालता है, जो भी तारीख सेट करता है, जो डेट ऑलरेडी दी हुई है, अगर उसी डेट पे एग्जाम होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो आपका ध्यान जो है वो अपनी तैयारी पे होगा, डेट पे ध्यान मत दीजिए उतना। इस लॉकडाउन सिचुएशन में आप अपना फोकस जो है अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में अगर है आपका, तो आप इंश्योर करिए कि आप अपना इकोनॉमिक सर्वे तैयार कर चुके हैं, अपना बजट तैयार कर चुके हैं, आपने पॉलिटी कर लिया है, ज्योग्राफी जो भी सिलेबस है आपको मालूम है, आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन तैयार करके रखिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। दिन में अगर आप प्रीलिम्स के 2 या 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और उनके आंसर रिवाइज कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और इस कंपटीशन में आपको बेटर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा बेटर आप बनेंगे। लॉकडाउन में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो भी आप अपना तैयारी कर रहे हैं उसका एक शेड्यूल होना चाहिए और उस शेड्यूल को आप ऐसे फॉलो करिए कि धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाए, क्योंकि एक शेड्यूल रहता है तो आदमी को एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ कुछ हो रहा है, और उसके हेल्प से आप पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन भी लगेगा आपका और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। सो आप एक शेड्यूल तैयार करिए और उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। अब बात आती है कि मेंस पे फोकस करें अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में या फिर प्रीलिम्स में फोकस करें, तो इस केस में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंस एग्जामिनेशन जो है वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, बट प्रीलिम्स जो है वो आपका पहला हर्डल है और अगर आप वहीं गिर गए तो फिर आप आगे बढ़ ही पाएंगे। और प्रीलिम्स में आप जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो प्रीलिम्स की आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका उसे जीएस प्रिपेयर हो जाएगा, और मेंस के लिए आप अपने ऑप्शनल पे फोकस रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर दिन में जितने भी घंटे आप निकाल रहे हैं पढ़ाई के लिए उसमें से कुछ समय 2 घंटे 3 घंटे आप अपने ऑप्शनल पे दे सकते हैं, और बाकी टाइम आप अपने प्रीलिम्स जीएस तैयार करिए, उससे आपके मेंस की भी जीएस काफ़ी हद तक तैयार चाहिए। फिर कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया जाए, तो ग्रेजुएशन नो डाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ग्रेजुएशन इज़ एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। तो ग्रेजुएशन पे आपको अपना जो सब्जेक्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा और अपने रिजल्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे ग्रेजुएशन में उसका जो रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट कार्ड होगा, जो मार्क्स होंगे वो डैफ में आपके शो होंगे, और अगर आप आगे चल के इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो वो जो पैनल है उनको दिखेगा कि हाँ आपने ग्रेजुएशन के टाइम में कितनी मेहनत करी थी, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तो प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो दोनों आपको मैनेज करनी होगी। आप अपना समय डिवाइड करिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल के हिसाब से आप काम करिए। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करें या सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू करें, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत समय आराम से करेंगे, बट मैं थोड़ा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही शुरू कर दी थी, और मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, मैं अपना प्रिपरेशन लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था अपने बीटेक के। सो लास्ट ईयर से जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और जो लोग पहले से 2 साल पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनमें और मुझमें काफ़ी ज़्यादा अंतर था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस एग्ज़ाम में, तो सही बात है जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप आगे पहुँच पाएंगे। अब इस लॉकडाउन सिचुएशन में आपने अपना शेड्यूल जो तैयार किया है उस शेड्यूल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप जो भी समय अपना पढ़ाई में दे रहे हैं वो समय का कोई प्रोडक्टिवनेस नहीं होगा। उस समय को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपका दिमाग पूरी तरह से काम करना चाहिए, और उसके लिए कम से कम 6-7 घंटा आपको डेली नींद लेना होगा। और मैं थोड़ा लॉकडाउन सिचुएशन में लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो फेस कर रहे हैं नेटफ्लिक्स को लेकर, उस पर भी थोड़ा बात करना चाहूँगा आप लोगों से। नेटफ्लिक्स नो डाउट एंटरटेनमेंट का एक काफ़ी अच्छा सोर्स है लॉकडाउन के टाइम, बट मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि इसको बिंज वॉच ना करें, बेटर होगा आप यूट्यूब पे अगर थोड़ा बहुत भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं, बहुत हेक्टिक रूटीन हो गया, बीच में आप आधा घंटा ब्रेक ले रहे हैं, तो आप यूट्यूब
पर कोई वीडियो देख लीजिए रादर देन नेटफ्लिक्स पे कोई टीवी सीरीज शुरू करने के बजाय, क्योंकि नेटफ्लिक्स में अगर आपने शुरू किया कुछ भी तो वो एक आदत सी बन जाती है और लोग उसे बिंज वॉच करने लगते हैं। और मैं बस इतनी रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी चीज़ बिंज वॉच मत करिए, क्योंकि उससे आप अपना काफ़ी वैल्यूबल टाइम जो है वो लूज़ करेंगे। तो अभी इसके जितना भी मैंने आपसे शेयर किया उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप ईमेल कर सकते हैं recognition@gmail.com पे, और मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा। और ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन। थैंक यू।